सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों की चैनल म्यूज़िक से रिलेटेड है, मतलब कि कोई डांसर है या कोई सिंगर है, कोई डांसर है, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आ होगा कि अब तक क्या होता था। कोई भी अगर हमने वो वीडियो बनाया है तो उसके अंदर किसी भी बॉलीवुड का सॉन्ग यूज़ किया है तो उसका रेवेन्यू हमें शेयर करना पड़ता था या फिर हमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता था। ठीक है, तो कॉपीराइट क्लेम आता है तो हमारा जो भी रेवेन्यू होगा वो म्यूज़िक वाली जो भी कंपनी होगी उसके पास चला जाता था और हमारे पास कुछ भी नहीं आता था। तो ये कुछ अपडेट नया आ चुका है और कुछ ही टाइम के अंदर ये अपडेट लागू हो जाएगा। तो इस अपडेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे हैं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, व्यूज़ कैसे बढ़ाए और क्या क्या अपडेट आई है YouTube से रिलेटेड। कोई भी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं MP3 के अपडेट के बारे में। तो यहां पर कुछ अपडेट ऐसा आया है कि अब तक क्या होता था। समझ लो कि आप एक डांसर हो और आपने एक बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस किया है और उस वीडियो को अपलोड किया है तो क्या होगा, आप लोगों को एक कॉपीराइट क्लेम आएगा और उसके अंदर जो भी आपकी इनकम होगी उस वीडियो के ऊपर वो इनकम आप जो MP3 यूज़ किया है, बॉलीवुड सॉन्ग को यूज़ किया है, उसको चली जाएगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता था। तो यहाँ पर यूट्यूब ने एक नया अपडेट लागू किया है कि जब भी हम कोई वीडियो के अंदर किसी भी सॉन्ग का यूज़ करते हैं तो अब वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास कुछ ना कुछ रेवेन्यू ज़रूर आएगा। और अगर रेवेन्यू नहीं आया तो हमें कुछ पे करके उस सॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं और एक बार पे करना है। एक बार पे करने के बाद हम उस सॉन्ग की जो भी इनकम होगी, मतलब कि हमारे वीडियो की जो भी इनकम होगी, वो लाइफ टाइम तक हमारे पास आती रहेगी। पहले अपडेट ऐसा था कि आप जब 100 रुपये उस वीडियो से अगर 100 रुपये की इनकम होती है तो 45% रखता था यूट्यूब और 55% रखता था जो म्यूज़िक कंपनी है वो। ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं आता था, क्रिएटर के हाथ में कुछ नहीं आता था। लेकिन अब से कुछ ऐसा होगा, शायद दो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों को, दो ऑप्शन मिलेंगे कि अगर आप कोई म्यूज़िक को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इसको परचेज कर लीजिए, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग होगा जो आपको कम पैसों में मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग होगा जो अगर ट्रेंडिंग सॉन्ग है तो आपको ज़्यादा पैसों में भी मिल सकता है, आप उसको बाय कर सकते हैं और अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही बार पे करना है और फिर लाइफ टाइम तक उस वीडियो की इनकम आप ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन वो होगा कि आप उसको अगर फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, 45% यूट्यूब रखेगा, 55% जो होगा उसके अंदर से आधा, मतलब कि आधा जो म्यूज़िक कंपनी है वो रखेगा और आधा आप लोगों को मिलेगा। कुछ तो आने वाले टाइम में कुछ इस तरह का अपडेट आने वाला है। अपडेट से आप अगर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही अपडेट बताने वाला था, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।